राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का मैं आपको मेनली डिस्कस करने वाला हूँ वैकेंसी को लेकर के, और कितना एक्सपेक्टेड वैकेंसी आ सकता है उसके बारे में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक ये रहेगा, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि मेरा जो पूरा अच्छे से मैं जो स्ट्रेटेजी बना के पढ़ा था CBT 1 के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरे अच्छे से, और कैसे कैसे कौन कौन से बुक में फॉलो किया था, सारा A to Z डिटेल में आपको मिलने वाला है वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी LPO और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि वैकेंसी कब आएगा। तो मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और 4 ईयर्स हो चुका है, वैकेंसी अभी तक आया नहीं है। तो आपको मेनली आपका यही क्वेश्चन रहता होगा कि वैकेंसी आ जाए उसके बाद मैं तैयारी कर लूँगा। तो आपके ऊपर, यही सवालों के ऊपर मैं आज पूरा डिस्कशन होने वाला है अभी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी मतलब कब आने वाला है और कितना वैकेंसी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2014 में जो वैकेंसी देखने को मिला था वो आपका 26,500 कुछ वैकेंसी देखने को मिला था। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका 2012 के बाद 2014 में उसके LP टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट हुआ गया था, तो उस समय आपका वैकेंसी 4,500 कुछ वैकेंसी देखने को मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि 2 साल में इतना रिक्वायरमेंट आ गया था। तो अभी तो 4 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद आपका मेनली 2018 में वैकेंसी आया हर मतलब 4 ईयर्स के बाद, तो उसमें आपको वैकेंसी देखने को मिला आपका 64,000 कुछ वैकेंसी देखने को मिला। तो आप सोच सकते हैं कि 4 ईयर्स में कितना वैकेंसी को इन्हेंस कर दिया गया था। पहले तो वैकेंसी कम आई थी, मतलब जब नोटिफिकेशन निकला था उस समय आपका 26,000 ही वैकेंसी था, लेकिन मतलब एक महीने बाद, मतलब कुछ दिन बाद फिर से वो वैकेंसी को फर्स्ट एग्ज़ाम लेने के बाद उसको रिवाइज कर दिया गया था उससे पहले ही, कि वैकेंसी को इन्हेंस कर दिया गया था और लगभग 64,000 देखने को वैकेंसी मिला था 2018 में। तो आप सोच लीजिए कि 2014 के बाद 2018 में इतना वैकेंसी आया था, और क्यों आया था वो भी मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि उसमें जो रिटायरमेंट हुए थे और बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हो गए होंगे, तो उसके पोस्ट जो भी सीनियर मोस्ट लोको पायलट होंगे उन लोगों को रिटायरमेंट देना पड़ा होगा, और टेक्नीशियन में जो भी सीनियर टेक्नीशियन होंगे उन लोगों को भी रिटायरमेंट देना पड़ा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपका जो LPG प्रमोशन है वो नीचे से ऊपर उन लोगों को देना पड़ा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपका जो वैकेंट पोस्ट है, जो नीचे में तो खाली होते जा रहे थे तो उनको भरना भी ज़रूरी था, तो इस वजह से वैकेंसी क्या हुआ कि इन्हेंस कर दिया गया था, और मतलब पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल गया अच्छा खासा। क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे उस समय 26,000 कुछ वैकेंसी आई थी, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन टफ था, मगर बाद में वैकेंसी इंक्रीज होने से थोड़ा कंपटीशन में क्या हुआ कि आपको सीट नंबर ऑफ सीट ज़्यादा मिल गए, और आपको उसमें क्या हुआ कि आपका स्टूडेंट भी ज़्यादा बढ़ गए और सीट भी ज़्यादा बढ़ गई। अभी तैयारी बिल्कुल सही रहता तो आराम से क्वालिफाई कर लेता। तो इस वजह से वैकेंसी मतलब 4 ईयर्स में इतना देखा गया था 2018 में, और अगर 2023 में वैकेंसी आती है तो इसमें भी अच्छे खासे वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो भी LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप वो एम और सोच के पढ़िए कि वैकेंसी आ जाएगा तब हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये एग्ज़ाम आप जितना इसको मतलब सीरियस लेंगे उसके उतने ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो इसमें 4 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, और कोई भी स्टेज में आप बाहर हुए तो सीधा आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो आप एक चीज़ माइंड में मतलब सोच करके ही तैयारी करिए, क्योंकि इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे खासे लड़के लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम को ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कितने टाइप के टेस्ट आते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम को अगर हल्का मिलेंगे तो आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और आप सोचेंगे पूरा सीरियस रहिए तभी आप एग्ज़ाम का निकाल पाएंगे, और वैकेंसी तो आने ही है 100%, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेंस भी ज़्यादा हो गए हैं और रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगा ही 100%। और जब भी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसी से रिलेटेड आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगा। और आप ये मत सोचें कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ वैकेंसी को लेकर के,
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ डिवीज़न में जो डिवीज़न में पोस्टेड हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोको पायलट, सीनियर मोस्ट लोको पायलट का रिटायरमेंट हुए हैं, और 2024 तक काफ़ी रिटायरमेंट हो रहे हैं। ये सिर्फ मेरे ही डिवीज़न में नहीं, हर डिवीज़न में बहुत सारे लोको पायलट का रिटायरमेंट होने वाला होंगे। तो इससे क्या है कि वैकेंट पोस्ट बनेगा, तो वैकेंसी तो आपको देखने को ही मिलेंगे। और मैं मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए होंगे, जो भी LP एस्पिरेंट होंगे या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, आप अपना फोकस रखिए, और आपका ही लाइफ है आपके हाथ में, क्योंकि कोई तीसरा आपको कुछ नहीं करने वाला है। और हो सके तो आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपका एक बार जॉब लग जाएगा तो आप अपना मतलब एक स्टेप आगे चले जाएंगे लाइफ में, और आप स्ट्रगल पीरियड से बाहर हो जाएंगे, और फ्यूचर में भी आपको कोई स्कोप दिखता है तो आप इजीली तैयारी करके निकल सकते हैं। तो आप फोकस करते रहिए, और अभी पूरा तैयारी पे ध्यान दीजिए बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलेगा अगर वैकेंसी आ भी गए तो आप उस समय तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों का ही देखते रह जाएंगे कि वो उसका तैयारी हो गया इतना, इसका इतना हो गया, इसका नंबर इतना आ रहा, कैसा आ रहा। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए आप अभी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि वैकेंसी मतलब कितना आएगा, क्या आएगा, कब आएगा। तो आप इसलिए मैं ये वीडियो बनाया आपको मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि वैकेंसी के बारे में सब वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी बनाया, क्योंकि इसमें वैकेंसी तो आना ही 100%। तो आप अपना तैयारी अच्छे से करिए, और ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, नेक्स्ट वीडियो भी रेडी है, उसको अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं आपका पूरा स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में डिस्कस किया हूँ, मतलब जो भी मैंने 10 स्टेप फॉलो किया था उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हूँ। और उसमें आपको जो भी भाई डाउट को मतलब पूछे हैं कमेंट करके, वो क्वेश्चन का भी आंसर मैं दिया हूँ। और इस वीडियो में भी आप कमेंट करके पूछ लीजिए क्वेश्चन जो पूछना है, ताकि मैं दोनों कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर दे दूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने भाई को, चैनल को। और आपको अगले वीडियो में देखने को जल्दी मिलेगा, क्योंकि मैं रेडी करके रखा हूँ नेक्स्ट वीडियो। ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।